नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, रुक करेंगे खबर की तरफ, जहां कोरिया जिले में डांसिंग स्टार 2021 जिला स्तरीय डांस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों से प्रतिभागियों द्वारा ग्रुप एवं एकल नृत्य में प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला कोरिया में डांसिंग प्रतियोगिता का आरंभ 17 मार्च 2020 को विवेकानंद भवन गोदरी पारा चिरमिरी में कराया गया, जहां दूसरा राउंड 21 मार्च को हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के एक से एक बढ़कर फनकारों ने प्रतिभाग किया, और जो कि जिले के लिए एक गर्व की बात है। यह प्रतियोगिता नई पीढ़ियों को डांस में आगे लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है, ताकि वह एक छोटे स्तर से बढ़कर एक बड़े मंच पर जा सके। वहीं इस डांस के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सभापति गायत्री बिरहा भी रही, जहां उन्होंने भी डांस प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतिभाग लिए हुए प्रतिभागियों को बधाई दी और आगे बढ़ने की बात कही है। जो आज यहाँ पे डांसिंग प्रोग्राम किया जा रहा है सेमीफाइनल, उसमें आज आप जजमेंट कर रहे हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है और किस प्रकार से जजमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा हुआ, अभी इसका ऑडिशन हम लोग चिरमिरी में भी रख चुके हैं, इसी भवन पे एक हो गया, इसके पहले मनंदगढ़ में रखा गया था, और यहाँ सेमीफिनाले, इसका फिनाले 26 तारीख को होने वाला है हल्दीबाड़ी में, जिसके आयोजक में सतीज राय के आयोजित होने वाला, जिसके रूपे सर, भगवानदास सर, उमा मैम, मेरे द्वारा इसका फाइनल में भी जजमेंट हुआ जाएगा। और कार्यक्रम में आज बहुत सारे डांसर्स आए जो हिप हॉप वेस्टर्न फ्री स्टाइल कोरियोग्राफर में थे, जिसपे फाइनल भी सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन फाइनल पार्टिसिपेट करेगा उसको भी जितने ट्रॉफी मिलेगी उसके सामने रखेंगे। बाकी सर बताएंगे यहाँ के बच्चों की प्रतिभा किस प्रकार की रही। बहुत अच्छा था, सबको अच्छे शांत भी थे, अपने अपने डांस अलग अलग लेसन सीखिए, नया फॉर्म था, उन लोगों का हर स्टाइल नया था, नए नए फॉर्म में उन्होंने डांस किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ डांस बहुत टफ थे, कुछ कुछ बच्चे लोग ने नया डांसिंग स्टार का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, और सेमीफाइनल मुकाबले में जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनका अभी ऑडिशन लेना बाकी है, और पहला ऑडिशन विवेकानंद भवन में हुआ गुदरीपारा, और दूसरा ऑडिशन मनेंद्रगढ़ में हुआ, और ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, और 26 तारीख को महा फिनाले हल्दीबाड़ी में होना है हाई स्कूल में। किस प्रकार मैम जो आज यहाँ डांसिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके संबंध में जानकारी दीजिएगा, आप यहाँ पर आए हुए हैं और किस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो कोरिया डांसिंग स्टार 2021 का जो खिताब हमारे यहाँ के आयोजक श्री संतोष दलाई जी ने किया है, बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उससे बच्चों को अपना कला का प्रदर्शन करने को एक अवसर मिलेगा। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि जो प्रॉपर रिसोर्स नहीं होने के बावजूद भी हमारे बच्चे इतने उनके में इतनी मतलब काबिलियत है कि वो हमारे क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं और अपने प्रतिभा का भी विकास कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा ये कार्यक्रम है। और जब इससे पहले जो फर्स्ट राउंड हुआ चिरमिरी में हुआ, और सेकंड फिर उसका भी फर्स्ट राउंड मनिंदगढ़ में हुआ, और जो हमारे बच्चे उसमें जीते हैं तो ये यहाँ पर सेमीफाइनल राउंड हो रहा है, और जब सेमीफाइनल में जो जीत जाएंगे तो हल्दीबाड़ी NCPH की जो ग्राउंड है वहाँ पर 26 तारीख को होने जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और हमारे बच्चों को अपना प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर है। ऐसे आयोजन बीच बीच में मैं समझती हूँ होना चाहिए, और इसके लिए जो भी जैसे भी सहयोग की ज़रूरत है, हम लोग एक नगर निगम में एक सभापति होने के नाते ऐसे जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो अगर हम लोगों को बताएंगे तो हम लोग इसके लिए बहुत। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर की इस खबर में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।